वासुदेव भगवान की जय, ग्यारस माता की जय। तो आइए आज मैं आपको कार्तिक के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाऊंगी। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे रमा एकादशी कहा जाता है और इसे रंभा एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु का नाम रमापति भी है, इसलिए इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता की पूजा करने से कभी भी धन ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं आती है। और इस दिन भगवान कृष्ण के केशव रूप की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत मन को शांति देने वाला और धन ऐश्वर्य सुख संपदा देने वाला है। तो आइए सुनते हैं इसकी पावन कथा। एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि माधव, मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने पावन कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में एक राजा थे मुचकुंद। वो बहुत ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी एक पुत्री थी चंद्रभागा। जब चंद्रभागा विवाह के योग्य हुई तो राजा मुचकुंद ने उसका विवाह चंद्रसेन नाम के राजा के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक दिन विवाह के बाद शोभन अपने ससुराल आया। कुछ दिन वहां रुका तो रमा एकादशी आई। रमा एकादशी से एक दिन पहले राजा मुचकुंद ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कल रमा एकादशी है। इस दिन ना किसी के यहाँ भोजन बनेगा और ना ही कोई भोजन खाएगा, क्योंकि राजा मुचकुंद के यहाँ रमा एकादशी का जो नियम थे बहुत ही कठोर थे। वो उनका बहुत ही नियम से पालन करते थे, कठोरता से पालन करते थे। जब शोभन ने सुना तो उसने चंद्रभागा से कहा कि चंद्रभागा, मैं इस व्रत को नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत दुर्बल हूँ। चंद्रभागा को भी बहुत चिंता हुई कि मेरे पति दुर्बल हैं, कैसे भोजन करेंगे। लेकिन चंद्रभागा ने कहा कि देखो, मेरे पिताजी के यहाँ इस व्रत का बहुत ही कठोरता से पालन किया जाता है। इस दिन मनुष्य तो क्या, हाथी, घोड़े, बैल, कोई जानवर भी घास तिनका नहीं खाते। तो बताइए, मनुष्य का भोजन करना कैसे संभव है? यहाँ भोजन करना बहुत ही असंभव है। अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो इस नगर से कहीं और चले जाइए, तभी आप भोजन कर पाएंगे। शोभन ने जब ये सुना तो उसने कहा कि अगर ये व्रत इतना ही पावन है, अगर तुम्हारे पिताजी की इस व्रत में इतनी ही आस्था है तो इस व्रत को मैं भी करूँगा, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। ये कहकर शोभन ने उस व्रत को किया। एकादशी के दिन जल्दी उठा और उसने व्रत करने का संकल्प किया। जैसे जैसे समय गुजरता गया शोभन को भूख लगने लगी और धीरे धीरे उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि वो बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गया। भूख से वो तड़पने लगा। शाम हुई, रात्रि के समय सभी लोग मिलकर जागरण कर रहे थे, क्योंकि एकादशी का जागरण अवश्य करना चाहिए। सभी जागरण करने में बहुत व्यस्त थे और बहुत ही खुश थे। इधर शोभन भूख से व्याकुल था, तड़प रहा था भूख से। उसे पूरी रात भूख की वजह से नींद नहीं आई और सुबह होते होते शोभन की मृत्यु हो गई। तब राजा मुचकुंद ने शोभन का अंतिम संस्कार बहुत पूरे विधि विधान के साथ कर दिए और अपनी पुत्री को उसके साथ सती होने से मना कर दिया और उसे ससुराल न भेजकर अपने यहाँ ही रखा। तो इस तरह चंद्रभागा अपने पिता के घर में ही रहने लगी, क्योंकि शोभन ने रमा एकादशी का व्रत किया था पूरी श्रद्धा के साथ, ना सही लेकिन व्रत किया था। तो उसे मरने के बाद मंदराचल पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर देवपुर स्थान मिला, जहाँ की हीरे मोती के बने खंभे थे, भव्य महल था। वहाँ गंधर्व और बहुत सारी अप्सराएं थी। ऐसा लगता था उसके वैभव को देखकर जैसे कोई दूसरा इंद्र हो। एक दिन राजा मुचकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण तीर्थ के लिए कहीं तीर्थ करते करते मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने शोभन को देखा तो पहचान गए कि ये राजा मुचकुंद के जमाई शोभन है, और शोभन ने भी ब्राह्मण देव को पहचान लिया। तब ब्राह्मण देव ने पूछा कि शोभन, तुम्हें ये सब वैभव कैसे प्राप्त हुआ, तुमने ऐसा क्या किया? इस पर शोभन ने कहा कि मैंने रमा एकादशी का व्रत किया था, इसीलिए मुझे ये सब कुछ मिला है। लेकिन मैंने वो व्रत श्रद्धा से नहीं किया, इसीलिए मेरा ये राज्य स्थिर नहीं है, ये वैभव स्थिर नहीं है। तब ब्राह्मण देव बोले कि बताइए मैं क्या करूं जिससे तुम्हारा ये राज्य वैभव स्थिर रहे।
तो उन्होंने कहा कि तुम चंद्रभागा के पास जाओ और उसे जाकर बताओ, वही इस वैभव को स्थिर कर सकती है। ब्राह्मण देव मुचकुंद राजा के गए और चंद्रभागा से मिले। उन्होंने पूरी बात चंद्रभागा को बताई तो चंद्रभागा ने कहा कि ब्राह्मण देव कहीं आप असत्य तो नहीं कह रहे या कहीं आपने स्वप्न तो नहीं देखा। इस पर ब्राह्मण देव बोले कि नहीं, मैंने खुद अपने आंखों से सब कुछ देखा है, मैं बात करके आया हूँ। तब ब्राह्मण देव चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के पास एक ऋषि का आश्रम था, उनका नाम था वामदेव ऋषि। वो बहुत ही ऊंचे पहुंचे हुए ऋषि थे। उन्होंने अपने दिव्य मंत्रों से चंद्रभागा की जो देह थी वो दिव्य कर दी और इस तरह से उसे दिव्य गति प्राप्त हुई। फिर दिव्य देह से चंद्रभागा शोभन के पास पहुंची। शोभन चंद्रभागा को आते हुए देखकर बहुत खुश हुआ और चंद्रभागा को शोभन ने अपने बाईं तरफ बिठाया। और तब वो चंद्रभागा ने कहा शोभन से कि मैं जब 8 वर्ष की थी तभी से रमा एकादशी का व्रत करती आ रही हूँ, तो आप इस पुण्य फल को ग्रहण कीजिए और अपने इस राज्य को स्थिर कीजिए। तो चंद्रभागा ने जो अपना पुण्य फल था रमा एकादशी का वो शोभन को दिया और इस तरह से उनका जो वैभव था, राज्य था, वो स्थिर हो गया और दोनों पति पत्नी एक साथ खुश और आनंद से अपना जीवन बिताने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाई, उसके बाद उस युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो और चाहे शुक्ल पक्ष की, दोनों ही एकादशियां समान रूप से सुख ऐश्वर्य और मन को शांति देने वाली है। ये जो व्रत है ये संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। तो इस तरह से ये कथा आप लोगों को मैंने सुनाई, भगवान श्री कृष्ण के मुख से युधिष्ठिर जी ने सुनी है कथा, तो आप भी इस कथा को सुने। अगर आप व्रत 12 महीने के करें या ना करें, लेकिन रमा एकादशी का व्रत जरूर करें, जिससे कि आपको भी सुख वैभव की प्राप्ति हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। तो इस और अगर व्रत ना भी कर सके तो इन नियमों का थोड़ा बहुत पालन कर लें, रात को जागरण कर लें और इस कथा को सुने, इस तरह से आपको अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। तो इस कथा के साथ ही राधे राधे।